सो हेल्थ को बहुत सीरियसली लीजिए. कमिंग बैक टू माय स्पेशलिटी, देखिए ऑर्थोपेडिक्स बोन्स की स्पेशलिटी है. लोग जिसको एसोसिएट करते हैं ट्रॉमा के साथ कि जी फ्रैक्चर होगी तो हम जाके दिखाएंगे, हम फंस जाएंगे तो हम जाके दिखाएंगे, जब नहीं चल सकेंगे तब जाके दिखाएंगे. ठीक है, हम ऐसे सब जानते हैं कि ठीक है वो भी एक तरीका है, लेकिन इट्स बेटर कि आप जरा सा उससे कुछ दिन पहले आ जाएं ताकि हम आपको बेटर ऑल्टरनेटिव्स दे सकें. बिल्कुल ठीक है. जब एक सालन जल जाता है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, जब वो भी शुरू में जल रहा होता है तो उसको ठीक करना बहुत आसान होता है. एक अच्छे कुक के लिए, मास्टर कुक के लिए उसको ठीक करना आसान होता है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, कमिंग डाउन, जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली आई हैव कम टुडे टू योर प्लेटफॉर्म, बिकॉज आई फील वेरी पैशनेटली अबाउट वेमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल. ठीक है. ये तीन लोग ऐसे हैं, तीन कैटेगरीज ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में जो निगलेक्टेड है. आई थिंक समबडी हैज़ टू टॉक अबाउट इट समडे. बिल्कुल सही है. ख़वातीन निगलेक्टेड हैं, बच्चे निगलेक्टेड हैं, ओल्ड पीपल निगलेक्टेड हैं. ख़वातीन के अपने प्रॉब्लम्स हैं, अर्ली मैरिजेस हैं, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स हैं, अर्ली मीनोपॉज है, मेल न्यूट्रिशन है. सो ये सारा उनको ना एक जोर पड़ता है उनकी उनके स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं. आपकी हड्डियाँ बेसिकली आपका बेसिकली रिजर्वॉयर है, आपकी इमरजेंसी का पैसा जो बैंक में पड़ा है वो खर्च होना शुरू हो जाता है. सो होता ये है कि दीज ऑल थिंग्स, अब स्पेसिफिकली अगर हम औरतों में जाएँ तो अभी हमने ऑस्टियोपोरोसिस देख लिया. ऑस्टियोपोरोसिस इज अ मेजर साइलेंट सॉर्ट ऑफ डिजीज, जो कि मेजर हम कहते हैं आपकी मॉर्बिडिटी लाइफ में इंक्रीज करता है. ठीक है. हड्डियाँ भर जाती हैं, जॉइंट डिजनरेट कर जाते हैं, ख़वातीन दे चेंज देयर अपेरेंस, वो थोड़ी सी बाउ डाउन कर जाती हैं, उनके घुटने ख़राब हो जाते हैं, दे कांट मूव अराउंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है. और इंटरेस्टिंगली पैराडॉक्स ये है कि अगर हमारा खाना अच्छा ना हो ना तो हम कहते हैं नया बना दो, लेकिन हमारे जोड़ काम ना करें तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम नहीं चलेंगे ज़्यादा. यू सी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वो हालांकि इन द 21st सेंचुरी वी हैव मोडालिटीज अवेलेबल फॉर यू पीपल, जिनसे हम आपको बहुत अच्छी तरह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वापस ला सकते हैं. अच्छा, कोई एडवोकेट नहीं हम करेंगे जी, हम आपको कहेंगे जी आप जॉइंट रिप्लेसमेंट ही करा लें जाके. ऑल दो वी आर डूइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एज सच, बट सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है. अपनी डाइट ठीक करें, अपना वेट वॉच करें, कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट आई ऑन योर वेट, वेट को ठीक रखें. मेल न्यूट्रिशन जो एक इतना बड़ा एक ट्रैप है उसमें ना गिरें कि जी मैं तो हलवा खा रहा हूँ. हलवा मे बी कैलोरी इंटेंस फूड है, लेकिन वो शायद वाइटमिन इंटेंस फूड नहीं है. सो यू रियली नीड टू नो कि वॉट आई हैव टू ईट, वॉट आई डोंट हैव टू ईट, कितना मैंने क्या खाना है, कितना मैंने नहीं खाना. जैसे हम कह रहे थे अभी कि जी नॉलेज इज एम्पावरमेंट, देखिए एम्पावरमेंट है अगर आप प्रोसेस पर अपना फोकस करें तो. अगर एक औरत फोकस करे अपनी यंग एज में कि जी मैंने कल को चाइल्ड बर्थ में जाना है, मैंने कल को अर्ली मीनोपॉज में जाना है, मैंने तो मुझे मेरी बोन्स को ब्रंट आएगा, तो मैं क्यों ना अभी से अपने आप को इतने रिजर्व्स कर लूँ कैल्शियम के कि कल को अगर मुझे लूज़ भी करने पड़े तो मैं उस रेड फ्लैग लाइन को क्रॉस ही ना करूँ जिसके बाद मैं ऑस्टियोपोरोटिक हो जाऊँगी. सो दैट्स अ मोर एजुकेटिव वे ऑफ लुकिंग एट योर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग देम. अच्छा, ये हो गया ख़वातीन का, तो ये प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस. बीइंग अ वुमन उसके अपने फ़ायदे हैं. एवरी गुड थिंग के साथ एक छोटा सा एक कहते हैं ना, एवरी ब्लेसिंग हैज़ अ कर्स. सो यू आर ब्लेस्ड टू बी अ वुमन, बट द कर्स इज़ कि फिर अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो स्केलेटन बहुत जल्दी आपका, बिकॉज दोज चिल्ड्रन, वो जो बच्चे आपने पैदा किए वो आपके स्केलेटन ने तो बनाए हैं. यू हैव एक्चुअली डोनेटेड अ पार्ट ऑफ योर स्केलेटन टू दोज स्मॉल चिल्ड्रन, अ पार्ट ऑफ योर बॉडी टू दोज चिल्ड्रन. वो आपके अंदर से गए हैं, आपने तो पूरा करना है कि नहीं करना उसको. देन कमिंग डाउन टू चिल, हमारी सोशो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सोसाइटी, इसके अंदर एक सर्टन लेवल की डो आती है महीने की, दिन की, उसमें नॉर्मली बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं. बच्चे को चोट लगती है तो हम कहते हैं इसको किसी पहलवान को दिखा दो, ठीक है, इसको किसी गली के नुक्कड़ पे जो डॉक्टर बैठा है उसको दिखा दो. वी थिंक छोटा सा है तो छोटी सी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा. ये नॉर्मली माइंड वर्क्स लाइक दैट कि छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ से ठीक हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. यू रियली हैव टू गो टू द राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड. ये एक्चुअली लॉन्ग रन में आपको सस्ता पड़ेगा अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, बच्चे के ऊपर. सेम फॉर द ओल्ड पीपल. ओल्ड पीपल का प्रॉब्लम क्या है कि दे स्टॉप अर्निंग. वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी एक्टिव लाइफ ख़त्म हो जाती है,
वो घरों में आ जाते हैं, घरों के भी ब्लाइंड स्पॉट्स पर चले जाते हैं. आपको नॉर्मली आप घर जाएंगे तो दादा दादी नहीं नज़र आएंगे, किसी कमरे में लेटे हुए होंगे. तो वो सेनिलिटी, डिबिलिटेशन, लेस फूड, लैक ऑफ सनलाइट, एक्सरसाइज ना करना, ये सब सब के अपने इफ़ेक्ट्स हैं जो विद टाइम होते हैं. और वो किस में होते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम डिक्यूबिटस अल्सर्स डाउन टू ऑस्टियोपोरोसिस डाउन टू सेनिलिटी फ्रैक्चर्स, कि जी खड़े होते हैं अपने वजन से हड्डी टूट जाती है. और वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है उनकी अर्ली डेथ के लिए. मतलब आई एम नॉट, मैं किसी को डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ एक सिंपल ABC सिखा रहा हूँ कि जी अवेयरनेस इस चीज़ की होनी बहुत ज़रूरी है. ओल्ड एज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दें. ओल्ड एज अगर आपके घर में को यू हैव एन ओल्ड रिलेटिव जो आपके घर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको टाइम देना छोड़ दें, उसके खाने का ख्याल ना करें, उसकी विटामिन डिफिशेंसी, ये सब कुछ हम लोग आपको इन अ वेरी स्मॉल पैकेज मसूद हॉस्पिटल में, जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वी कैन डिलीवर इट टू यू देयर. हम वी कैन लुक आफ्टर योर विटामिन डिफिशेंसीज, वी कैन डू योर विटामिन D3 लेवल्स, वी कैन सी यू फॉर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हम आपको एक्सरसाइज के पैटर्न्स बता सकते हैं. दिस इज लाइक मेडिसिन बिफोर एक्चुअली गेटिंग टू द कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आप अपनी ओल्ड एज को ट्रीट, ओल्ड एज को पता है, देखिए लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग फर्स्ट. ओल्ड एज को ना नेचुरल ना लें, ओल्ड एज को समझें ये एक डिजीज है, मैंने इसको ठीक करना, टेक इट एज अ डिजीज प्रोसेस, कि जी मेरी स्किन अगर सैग कर रही है तो उसको मैंने ठीक करना. अगर मैं नहीं चल सकता इतने कदम जितने पहले चलता था तो आई शुड डू समथिंग अबाउट इट. इट्स when you take it like that, that's a more positive attitude and uske results more positive aayenge aapke liye. So this is jiske upar hum log bahut focused hain, mother ke upar bahut focused hain, because mother ka contributing factor jiska zor wo apni skeleton pe leti hai in the shape of osteoporosis aur fir later on degenerative arthritis ke ghutne gir jate hain. Oh acha, fir bada interesting, let me say, hamare yahan na food fads bade galat hain. हमारा ख्याल है कि जी जो औरत चाइल्ड बर्थ से बाहर आएगी उसने पता नहीं कोई कॉन्सेप्ट है छिल्ले का, उसने छिल्ले में जाके पता नहीं क्या क्या खाना है, हाई कैलोरी फूड, शी विल गेन वेट. वो वेट उससे नहीं उतरेगा पूरी लाइफ. वो वेट उसको प्रिकर्सर टू डायबिटीज़ भी है, प्रिकर्सर टू हाइपरटेंशन भी है, प्रिकर्सर टू ऑस्टियोपोरोसिस भी है. तो ये वो चीज़ें हैं जो आप, हम अब बहुत छोटी दुनिया में रहते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड. सपोज आई हैव अ प्रॉब्लम, suppose I think I have a problem, I should just go to my computer, to my smartphone, type that problem in that and I can come up with 100 or 1000 solutions. Mujhe puri duniya batayegi kuch galat hongi kuch sahi hongi. But when you go out and you try to seek knowledge and you actively seek knowledge aapke liye bahar badi openly baithi hai aur bade aaram se aapki help karti hai. So ye Allah taala ka kanoon bhi hai. I think pehla word jo hamare prophet ko bhi padhaya gaya wo tha ikra, पढ़ो गौर करो, पढ़ो गौर करो. सो आवर होली बुक स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वन वर्ड. बट कमिंग बैक टू माय सब्जेक्ट, देन हमारी जो यंगर पॉपुलेशन के लिए ट्रॉमा बहुत बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में, इट्स लाइक एन एपिडेमिक. इतने एक्सीडेंट्स आप देखते हैं सड़कों पे. सर मैं एक मिनट छोटी सी चीज बताती जाऊं गाइस, आई एम यू नो नोटिसिंग योर क्वेश्चंस और आप लोगों के सवाल आ रहे हैं. अभी डॉक्टर साहब से हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि हम इसको अपनी लाइफ में एक दूसरे साथ शेयर कर सकें, इसको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकें. जैसे अभी डॉक्टर साहब ने सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल कि हमें अपना किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए. डॉक्टर साहब अभी मैं आपसे ना, आप हमें ये वाला ट्रामा सर्जरी और मतलब इस सिलसिले के बारे में बताएं, उसके बाद ना फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी. और बाकी मैं आप सब लोगों को बताती चलूँ कि हम मरहम के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर सैयद साकिब रज़ा बुखारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं. ये मसूद हॉस्पिटल में कंसल्टेशन देते हैं और हमारी इस सेशन का जो मकसद है वो ये है कि हम ऑर्थोपेडिक के इश्यूज़ को ठीक तरीके से डील करना सीखें. ये वो इश्यूज़ हैं जो कि हमारी कल्चर में, हमारे जिस तरह का लाइफ स्टाइल है इसमें ये बहुत कॉमन है, लेकिन इन ये वर्स हो जाते हैं जब हमें इनको सॉल्व करना नहीं आता, या हम इनको सेल्फ मेडिकेशन या अपने डिनायल की वजह से ख़राब कर देते हैं. और उसके बाद फिर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है वो फिर डॉक्टर साहब बताएंगे. अच्छा, ये तो हो गया ना विमेन का, चिल्ड्रन का. अब चिल्ड्रन में फर्स्ट करें, बिकॉज ऑफ एनी थिंग हैपनिंग इन देयर यंग एजेस, एक साल में, दो साल में,
they end up having certain vitamin deficiencies. Hmm. What will happen ke baad mein vitamin deficiencies agar theek bhi ho jayengi na to wo apne certain jisko hum kehte hain na apne certain traces chhod jayengi, foot marks chhod jayengi, footprints chhod jayengi. Kisi ki taang teedhi ho jayegi, kisi ka foot flat ho jayega, kisi ka hip jo hai wo thoda sa painful ho jayega. Hmm. So what is needed, all that is needed is ke jab bachcha paida ho uska sahi tarah se ek skeletal survey ho jaye, uska har 6 mahine ke baad ek skeletal survey kara lijiye shuru ke ek do saalon mein, because it's a very very growing skeleton, it grows at a very high speed. Aur skeleton aapko deformities normally aise bachchon mein kal ko rickets ya koi aur cheeze, main sakht word nahi bolta, but vitamin D ki problems ya koi aur cheeze aapko nahi milengi. Ye bada simple sa tarika hai ki dislocations nahi milengi, warna pata chalta hai dislocation ka after say 4 years, tab tak 4 saal se dislocated ek cheez padi hoti hai, pata hi nahi hota. Same for old people. Old logon ko bhi apne certain checks jo hain, medical checks karwate rehne chahiye. This will go a long way for their health. Not even in orthopedics, for their cardiovascular status, for their cerebrovascular status. Hamare yahan stroke ka element bahut high ho gaya hai, hamare yahan deaths due to heart attacks bahut high ho gayi hai. So agar wo sab package, pura ek package leke chalenge, to they will lead a very healthy life aur bada acha rahega. Acha, coming down to young people. जिसपे मैं कह सकता हूँ, यंग पीपल आर प्रोन टू ट्रामा, ठीक है, बिकॉज वो ना नॉर्मली मोर एथलेटिक होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं, मोर रिस्क टेकर्स होते हैं. आप देखें बाइक पे नॉर्मली 80 साल का कोई आदमी वन व्हीलिंग नहीं करता, राइट? सो व्हेन वी सी वन व्हीलिंग, हम ऊपर देखें तो 16 साल का 18 साल का लड़का बैठा होता है, और मे बी अब हमें कोई लड़की भी मिल जाए बैठी. तो द कॉन्सेप्ट इज के ट्रॉमा बहुत राइफ है, हमारी स्ट्रेस, हमारी रोड्स इतनी अच्छी नहीं है, हमारे सिग्नल्स इतने अच्छे नहीं हैं, हमारी पुलिसिंग इतनी अच्छी नहीं है, लाइसेंस हमें बगैर किसी उसके मिल जाता है, बड़े आराम से बगैर किसी टेस्ट को दिए हुए मिल जाता है, एंड वी टेक आवर एक्टिव लाइफ फॉर ग्रांटेड टिल द टाइम, टिल दैट वन डे व्हेन वी फॉल डाउन, एंड इट्स ट्रेजिक. इट्स रियली, मैं एडवाइस करता हूँ जितने यंग लोग हैं उनको, आप लोग ना अपनी लाइफ में से ना कोई 3-4 घंटे निकाल के ना किसी भी बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आ जाए. सिट देयर फॉर 1 hour or 2 hours एंड सी जो लोग ट्रॉमा के साथ वहां पे आ रहे हैं उनकी क्या हालत है. बाइक से गिरे, कार एक्सीडेंट्स में गए हैं, कोई एथलेटिक एक्टिविटी करते हुए गिरे, वो देखने के बाद अगर आपको लगता है ना कि यू कैन कोप विद दैट, आपको लगता है कि मैं इसको हैंडल कर लूंगा, गो आउट एंड डू योर वन व्हीलिंग्स एंड डू योर टू व्हीलिंग्स, एंड जैसे मर्जी आपने गाड़ी चलानी है आप चलाइए. आई कैन अश्योर यू, आपका वो 2 घंटे का टाइम आप जिंदगी भर अपने ट्रैफिक का बहुत सीरियसली लेंगे, बिकॉज आपको आइडिया नहीं है कि ये बॉडी कितनी फ्रेजाइल है, कितने आराम से टूट जाती है, यू जस्ट हैव नो आइडिया, और ये कितनी मुश्किल से जुड़ती है. सो ट्रॉमा हमारे ओपीडीज का बहुत बड़ा एक वो है. At again coming down, because मैं practice करता हूँ, I've been practicing, और at Masood we are running a very good emergency clinic for trauma surgeries. मतलब we can actually tell you कि आप अगर अल्लाह माफ करे, if somebody comes and he or she has a fracture, तो we can almost give them the right treatment, do the right surgery, and they will be up and about on their legs or everything in 48 hours. हमने लंबा नहीं रखा. एक फैमिली मेंबर थे, उनका उसका बाइक के ऊपर मेरे कजन का एक्सीडेंट हुआ, एंड दे इमीडिएटली टुक देम टू मसूद हॉस्पिटल. तो और उसके बाद ये है कि नाउ ही इज डूइंग वेल, लेकिन वही बात है कि वो लोग अभी तक कहते हैं कि हाँ हमें फौरन, चूंकि एक अच्छा हमें वो ट्रीटमेंट मिल गया था तो इट हेल्प, लेकिन अगर वो उसको कहीं और, मतलब मे भी कहीं जल्दी में किसी गलत जगह पे जैसे लोग फटाफट चले जाते हैं, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम उनका प्रोलॉन्ग हो जाता है. जैसे मेरे साथ मेरी हॉस्टल में एक रूममेट थी, okay. उसका एक्सीडेंट हुआ बस के साथ, अचानक रोड क्रॉस करते हुए, और उसको फिर मतलब लाइक उसका वो एक्सीडेंट हुए 8 साल हो चुके थे, लेकिन स्टिल उसको वो उसका रॉड हर्ट करता था, और वो हर चीज़ तकलीफ देती थी, और वो कहती थी कि और इवन कि वो चलते चलते कोलैप्स कर जाती होती थी अक्सर, क्योंकि अब वो उसके अंदर एक चीज़ थी, और अब नाउ शी वॉज लाइक कि अब मैं इसको दोबारा छेड़ना नहीं चाहती. तो वो ये है मसला कि अगर आप एक दफ़ा ट्रीटमेंट कराएं तो आप ठीक ट्रीटमेंट कराएं. बिल्कुल, ट्रॉमा सर्जरी के पास के लिए हमारे पास विंडो बहुत छोटी है. द अर्लियर यू गेट इट डन द बेटर रिजल्ट्स यू आर गोना गेट. बिल्कुल, जितना लेट आएंगे उतने रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं आएंगे. बिल्कुल. और तीसरी जो चीज़ है ना जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू टेक अराउंड 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम,
वो एक ऐसा ना हिडन फील्ड है जिसके बारे में लोगों के ना बड़े अप्रीहेंशन है, ठीक है, बट हमने उसके बारे में बोलना है। ठीक, हमने आपको ना थोड़ा सा बताना है। पहली बात ये है, लेट्स क्लियर द टिप। मैं अपनी भी साइड के सारे फेयर साइड पे कर दूँ, आपके भी सारे साइड पे कर दूँ। देखिए, हम आपको फ्लीस करने नहीं आए, ठीक है, ठीक है। हमने हमारा ये ब्रेड एंड बटर है। हम मतलब आई वोंट से अबाउट एवरीबडी, बट मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स आई हैव सीन, यंग पीपल, दे रियली वॉन्ट टू वर्क, दे रियली वॉन्ट टू गिव यू देयर टाइम, दे रियली, even at Masood, even at my Sharif Hospital, I've seen amazing doctors in their initial years. बाद में क्या होता है, I really don't want to go that way. होता ये है on my side. देखिए, 21st century is a century of activity. ये नहीं हो सकता कि अब आप कहें जी मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो बैठ के भैंस को देखता रहूँ। ऐसे नहीं, life अब 60 पे end भी नहीं होगी, life जाके end होगी 90 पे इंशाल्लाह, और if you are lucky you might hit a century. सो अब अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है आपका उस एज पे, आप करेंगे क्या? सपोज एक आदमी कहता है मेरे घुटने दर्द करते हैं, मैं चल नहीं सकता, बट मेरी एज है 65 ईयर्स, कोई बात नहीं, मैं चल लूँगा, थोड़ा चल लूँगा, बट सपोज ही एंड्स अप लिविंग 92 ईयर्स, ही टचेस 92 ईयर्स ऑफ एज, तो क्या वो जिंदगी के 27 साल टेढ़ा चलता रहेगा? कभी आप सोचें कि कितना मुश्किल है ये काम। और देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स अब नई नहीं रही, दे आर नॉट न्यू। एक ज़माना था ये नई चीज़ थी, लोग इससे डरते थे, कराने से डरते थे, अब ये नई चीज़ नहीं है। अब इनको होते हुए वेस्ट में भी 40 ईयर्स से ऊपर हो गए, हमारे यहाँ भी 25-30 ईयर्स के करीब हो गए लोगों ने जॉइंट्स डलवाए हुए। द कॉन्सेप्ट इज नोबडी इज एडवोकेटिंग कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट ही हम करेंगे, बट गो टू योर डॉक्टर्स, गो टू योर क्लिनिक्स, कंसल्ट योर फिजिशियंस, योर ऑर्थोपेडिक सर्जन, और देखें कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। सपोज आई एम नॉट गोना रिमेन दिस ऑफ दिस एज फॉर द रेस्ट नेक्स्ट 20 ईयर्स और इन नेक्स्ट 80 ईयर्स, मुझे भी हो सकता है जॉइंट रिप्लेसमेंट चाहिए, आई माइट ऑल्सो नीड अ गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन जो मुझे जॉइंट डाल दे। वाई वुड आई लाइक टू लिव, जब एक चीज़ मार्केट में है, वाई वॉन्ट आई लाइक टू हैव इट इनसाइड मी? और वो कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, इट्स ऑल दैट इज नीडेड कि आपको सही गुड केयर मिले। इसमें प्री ऑप केयर है, आपकी सर्जिकल केयर है, यू रियली नीड अ गुड सर्जन जो करे, एंड यू नीड अ गुड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, नथिंग मोर देन दैट। आई थिंक दैट विल एंड 3 से 4 से 5 दिन का काम है, एंड देन योर लाइफ गोज ऑन, इट्स अ परफेक्ट लाइफ। बट ये चीज़ हमारे मुल्क में लोगों के अप्रीहेंशन हैं, ये ठीक नहीं होता, ये निकल जाता है, मैंने किसी को देखा था उसका ठीक नहीं था, मेरे घर में एक अकलमंद आदमी है वो कहता है जी ये ठीक नहीं होता, वेल ऑल काइंड ऑफ दोज एक्सक्यूजेस कि जो नॉलेज ना हो ना तो तब होते हैं। गो टू योर कंप्यूटर्स, पुट राइट डाउन जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, रीड अबाउट, सी वॉट इट इज, सी बाहर कितनी हो रही है, कितने ज़्यादा लोग करा रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल देखिए, उनकी लॉन्जेविटी लेवल्स देखिए। वो हमारे बुजुर्गों की तरह 65-70 में अपने आप को बूढ़ा नहीं कहते, बिल्कुल ठीक है, वो अपने आप को इवन एट 80 भी बूढ़ा नहीं कहना पसंद करते, दे आर वेरी एक्टिव, दे माइट बी गोइंग फॉर माउंटेनियरिंग एट द एज ऑफ 80 82। सो उनसे सीख लें, अब ये सर्जरी इतनी बड़ी नहीं है, सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर स्केलेटन, योर हेल्थ, और भी मतलब सिर्फ मैं यहाँ पे फोकस बोन्स पे कर जाऊँ तो बड़ी फैलेसी होगी। यू सी, एक बच्चे के लिए उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए उसके विटामिन डिफिशेंसीज नहीं होनी चाहिए, एक खातून के लिए जिसने अच्छे हेल्दी बेबीज पैदा करने हैं और उसने एक अपनी ज़िंदगी हेल्दी गुजारनी है, उसका मैल नरिश नहीं होना चाहिए उसको, ठीक है। एक यंग आदमी को अगर उसने अच्छी लाइफ गुजारनी है और उसको एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, उसका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसको अपने आप को रिस्क एवर्स, रिस्क थोड़ा सा उसको रिस्क एवर्स होना चाहिए इस चीज़ में, तो ना ना। और नंबर 4, ओल्ड आदमी को जो कि बेचारा ओल्ड हो गया है, एवरीबडी नोज वन डे वी आर ऑल गोना डाई, तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने एक्टिवली इस टाइम पे अपने आप को होने वाली ओल्ड एज कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से अपने आप को मैंने शील्ड आउट कर लिया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड शील्ड आउट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? लाइक सपोज मैडम, इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, यस, मैं कहूं कि एक मैजिक वर्ड, और वो कहते हैं ना, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, इट्स रोमिंग अराउंड, इट्स स्क्रीमिंग एंड नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट इट, राइट, वो है
स्टार्ट एक्सरसाइज स्टार्ट एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है कि मेरा जिस भी डॉक्टर के साथ सेशन होता है ना, मतलब जिस भी डॉक्टर के साथ लाइव सेशन होता है, वो हर डॉक्टर अपने प्रॉब्लम के हल में ये कहते हैं कि प्लीज एक्सरसाइज. मेरे साइकोलॉजिस्ट के साथ हो तो देर से एक्सरसाइज, गायनोकोलॉजिस्ट के साथ हो तो देर से एक्सरसाइज, किसी डॉक्टर के साथ ना वो कहते हैं कि प्लीज एक्सरसाइज, ये आपको आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा, बिकॉज अगर आप अपनी मशीन को चलाएंगे नहीं तो वो खराब होती चली जाएगी. सर, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक मी, आई विल एडमिट आई एम अ वेरी रेगुलर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु एक्सरसाइजेस एवरी डे. ठीक है, आई हैव मेरा अपना एक तरीका है. आई रन फॉर अराउंड 3-4 किलोमीटर्स एवरी डे. आई डू माई लिटल जो एक्सरसाइज का पैटर्न है मैं रोज करता हूँ. ठीक है, एंड इट हैज पेड मी. आई नो एग्जैक्टली वॉट यू नीड. आप लोगों को सिर्फ एरोबिक्स चाहिए और थोड़ी सी वेट्स चाहिए एंड आपके स्केलेटन के लिए बहुत अच्छे हैं. बट एनी थिंग दैट्स गोना हैपन इट्स गोना हैपन, वो तो एक अलग चीज़ है. अगर फ्रैक्चर है तो हम हैं आपके लिए, वी लुक आफ्टर यू. आपकी डाइट भी ठीक हो जाती है. ये एक अमेजिंग तरीका है कि मुझे बताओ जी मैं क्या खा सकता हूँ. नहीं, आप कहें जी मैं रोज मैंने 50 मिनट 60 मिनट एक्सरसाइज करनी. आपको पता होगा ना मैंने कल भी करनी है, परसों भी करनी है. जब आपके सामने हम ला के ना इतना बड़ा प्याला रखेंगे ना, से जिसके अंदर कोई कस्टर्ड होगा या खीर होगी, आप खुद बहुत दो चम्मच खाएंगे. कहेंगे मैंने मैं कल क्यों पागलों की तरह फिर क्यों. आपकी ऑटोमेटिकली डाइट ठीक होती जाएगी. एक्सरसाइज इज समथिंग जो कि मिरेकुलसली आपको उस रोड पे ले आती है जो कि जिसको हम कहते हैं हेल्दी रोड. आप में से जो लोग अभी हमारे लाइव सेशन देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं. पीपल डू. इंटरेस्टिंगली मेरा ख्याल है कि हेल्थ के अंदर अपना थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है. आप देखें जिम्स भी बनने लगे, जिमनेजियम भी बनना शुरू हो गए. जैसे भी हमें इस क्वेश्चन भी आया कि फॉर एक्सरसाइज व्हाट यू सजेस्ट फॉर हाउसवाइव्स, मदर, लेडी, जो घर पर होती हैं, कि दिस इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज. आई रियली, दिस इज वन क्वेश्चन आई वुड रियली लाइक टू एड्रेस. लाइक लोग कह रहे हैं एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ एक एक्सरसाइज. वेरी गुड सुहेल, आशीष, शाजिया, वेरी नाइस. ओनली वन एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज साइकिलिंग. The safest exercise. Go and invest in a good exerciser जो आप घर में रख सकें. अगर आप वो मशीन रखें जिसमें आप टेक लगा के बैठ सकते हैं, सीट वो हो जिसमें, जैसे मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ, आई कैन एक्चुअली पुट माई बैक टू इट. ऐसी वाली साइकिल खरीद लें, पुट इट इन योर लंग्स एंड पीस मील. आपने उसको रोज 40 मिनट्स कर लें, चाहे एक साथ कर लें, चाहे पीस मील कर लें, 10-10 मिनट तोड़ के कर लें, जितनी होती है उतनी करके छोड़ दें, फिर बाकी वहाँ से शुरू कर लें. गाइस, मैंने भी खरीद के अपने लाउंज में रखी हुई है. आप लोग रखे रहे वो कपड़े, वो हम कहते हैं कपड़े टांगने के लिए नहीं, वो एक्सरसाइज टाइम आउट ऑफ योर लाइफ डू एक्सरसाइज. साइकिलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस. अच्छा, नॉन कॉन्टेक्ट है, अच्छी मुझे मिल गई थी. आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं बाद में कि साइकिल कहाँ से लेनी. नॉन कॉन्टेक्ट है. आपके नीज पे जोर नहीं आता, आपके एंकल्स पे जोर नहीं आता. यू सी व्हेन यू रन, अगर आप सब ने, आई एम श्योर मैट्रिक या ओए लेवल्स में सब ने न्यूटन के वो पढ़े हुए हैं जो लॉज हैं, उसमें देयर इज अ लॉ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो व्हेन यू एक्चुअली रन, इट्स योर मास इनटू द एक्सेलरेशन, दैट इज द फोर्स इन न्यूटन्स दैट विल पास थ्रू योर स्केलेटन विद एवरी स्टेप. सो इफ यू आर डूइंग, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो अब आपका मास इनटू उससे नहीं, आप सिर्फ अपने मास के अगेंस्ट कर रहे हैं. सो न्यूटन्स कम हो गए, आपके स्केलेटन पे जोर आना कम हो गया, और उसके रिजल्ट आने लग जाएंगे. ये बजाय कि मैं 1 घंटा वॉक रोज करता हूँ, इसका अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं होता. यू फाइंड कि वो आदमी या वो पर्सन थोड़े अरसे बाद वेट गेन ही कर लेता बेचारा, बजाय कम करने के, और इट बिकम्स मोर डिप्रेस्ड. उससे बेहतर है कि आप वही 40 मिनट्स साइकिलिंग को दीजिए. बाहर आप जॉब कर नहीं सकते. जिसने यंग एज में जॉब नहीं किया उसको मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि एक सर्टेन एज के बाद से आफ्टर इन हिज 30s वो जॉगिंग शुरू करें. तो नॉट विदाउट मेडिकल एडवाइस, बट अगर आपने अपनी यंग एज से जॉगिंग शुरू रखी है फिर बेशक यू कैन गो अहेड एंड गो फॉर दैट. अदरवाइज द सेकेंड थिंग जो कर सकते हैं आप, वो हर बंदा नहीं कर सकेगा, दैट्स फॉर लाइक अ लिटिल मोर जो सोशो इकोनॉमिकली, वो हैं जो स्विमिंग कर सकते हैं. उसके लिए हमारे मुल्क में
इतने रेडिली पूल्स अवेलेबल नहीं है, फिर पूल्स और उनकी क्लीनिनेस का उस तरीके नहीं, से पूल्स ही अवेलेबल नहीं है हाँ. आप सोचे ना अगर हम रेशो निकाल लें कितने लोगों के लिए अवेलेबल है, बट दैट्स अगेन अ नॉन कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज. बिल्कुल ठीक है. अच्छा सर, एक आपने ना इंस्टेंटली मैसेज देने थे, क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो पेरेंट्स जिनको नी रिप्लेसमेंट की या जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है लेकिन वो उसके ऊपर कन्विंस नहीं हो रहे होते, सो यू नो वन मैसेज फॉर दोज पेरेंट्स जो उनके बच्चे अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, ये देखें अम्मा, ये देखें अब्बा, आप करा लेंगे कुछ नहीं होगा, वो एक मैसेज. मैं आपको मैसेज देता हूँ बड़ा क्लियरली. लोग नॉर्मली जब कहते हैं ना हम नहीं कराएंगे, व्हाट एक्चुअली दे आर सेइंग इज हम नहीं नहीं हम थोड़े से लेजी हो जाएंगे. यू सी, फर्ज करें मैं ना, मेरा जॉइंट ठीक है तो मैं पहले ना ओल्ड एज में घर से बाहर भी चला जाता हूँ, मेरे दोस्तों का एक हल्का है मैं उसमें भी जाके बैठता हूँ, मैं घर भी आ जाता हूँ, मैं भाग के छत पे भी चला जाता हूँ नीचे. जब मेरा जॉइंट खराब होगा ना मैं कहूँगा दोस्तों से नहीं मिलते, जो घर आ जाएगा उससे मिल लेंगे. अच्छा मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं घर में ही रहूँगा, ठीक है. मेरा बेड ना जरा वॉशरूम के करीब कर दो ताकि मुझे कम चलना पड़े. एक्चुअली व्हाट रिवर्सली आई एम एडवोकेटिंग इज कि लेट मी बिकम अ लिटिल लेजी, ठीक है. अब आप चाहते हैं ना कि ये लोग अपने जॉइंट बदलवाएं, मेक देम स्वेट, ठीक है. खाना ज़रा दूर रखते हैं, कहें जी घर कमरे में नहीं मिलेगा, डाइनिंग रूम में ही मिलेगा, चल के आए. वॉशरूम आपने खुद ही जाना है, ये एड ले लें और चल के जाएं. जब वो अब उनको प्रॉब्लम आएगी लाइफ की तो देन दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि अब हम पुश करते हैं. वरना पता है हमारे, लेट मी शेयर इट, ये हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है. लोग यंग एज में दे वॉन्ट टू बिल्ड हाउसेस. मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ, यंग कपल्स आते हैं तो उनके आइडियाज़ होते हैं, हम घर बना रहे हैं, हम ये उसमें एक हमारा लाउंज है, एक हमारा बेडरूम है, एक हमारा ये है, एक हमारा संडे को हम जहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे. जब ओल्ड एज आती है ना आप देखते हैं वो उसी बिस्तर पे खाना भी खा रहे हैं, उसी पे सो भी रहे हैं, उसी पे बैठ के टीवी भी देख रहे हैं. सो डोंट लेट देम डू दैट. उन्हें कहें उठें, वॉशरूम में जाएं, तैयार हों, लाउंज में आके बैठें, टीवी रूम में बैठ के टीवी देखें, डाइनिंग रूम में जाके खाना खाएं. उससे ये चीज़ें करने से उनको लगेगा कि उनको एक्टिविटी करनी है. जब उनको लगेगा एक्टिविटी करनी है दे विल बी मोर ओपन टू सजेशन. फिर वो आप जब कहेंगे ना क्या ख्याल है आपका, हम जॉइंट रिप्लेसमेंट का ना सोचें, या ओपिनियन ले लेते हैं, कोई डलवाना थोड़ी है, तो वो ओपन सजेशन हो गया बिकॉज उनको दर्द होगा हर दफ़ा चलने से. बट जो आदमी बेड में लेट जाएगा वो कल को आपके लिए या अपने लिए वही विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. लाइफ जो है वो मूवमेंट के साथ है. अच्छा इससे मेरा मेरे लिए मेरे जहन में हमेशा से एक आइडिया आता है, जैसे कि सपोज आप मसूद हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और आप कहेंगे भाई वीक में ना एक घंटा जो है ना वो लाइक एक सपोर्ट ग्रुप किस्म का सेशन होगा जिसमें यू नो यू कैन ब्रिंग इन योर पेरेंट्स और वो एक दूसरे से बात करें, लोग देखें, यू नो दे कैन टॉक टू द डॉक्टर, और वो एक एक हेल्दी सी एक्टिविटी हो जाए जिसमें बच्चों को भी पेरेंट्स को भी लगेगा हाँ हमारे बच्चे यू नो दे आर टेकिंग केयर. ये जो आइडिया है ना जो आप कह रहे हैं ग्रुप सेशंस का, ये बाहर बड़ा हाँ ये बाहर बड़ा कॉमन है. प्रॉब्लम पता है क्या, लेट्स हम अपनी ना सोशल, हम हमेशा कहते हैं अपनी सोसाइटी सोसाइटल बाउंड्रीज से बाहर नहीं जा सकते. अच्छा वैसे मैं आप लोगों से भी पूछूंगी कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि मसूद हॉस्पिटल में ऐसा एक वन आवर का सेशन होना चाहिए कि जिसमें डिफरेंट यू नो आप अपने पेरेंट्स को लेकर आए एंड दे यू नो शेयर गुड आइडिया. बट मैं आपको बताऊं ये करके देख लीजिए हाँ. हमारे लोग बड़े प्राइवेट हैं हमारे लोग इतने सोशल नहीं है. अच्छा हमारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी छुपाते हैं हाँ. वो इतने ओपन नहीं अपनी. आई थिंक अगर आप बाहर होंगी और सपोज यू हैव अ मिसेस स्मिथ समवेयर हु हैज अ प्रॉब्लम, शी विल जस्ट कम एंड सिट विद यू एंड शी विल से माय लाइफ इज हेल, दिस इज माय प्रॉब्लम. शी विल नॉट हेजिटेट कि आप क्या सोचेंगे इस बारे में क्या. हमारे यहाँ लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं बताते, वो हमसे बड़ी मुश्किल से शेयर करते हैं डॉक्टर्स के साथ. ठीक है आप ग्रुप सेशंस में उनको ले जाएंगे, उनको लगेगा पता नहीं कल को मेरी बात पूरे शहर को पता होगी. यू सी वो एक हमारे यहाँ ना एक कल्चरल एक नॉर्म टेंडेंसी है. बट जो भी बार्गेनिंग के अंदर ना यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड पीपल लिसन टू ओनली दोज पीपल जिनको वो ट्रस्ट करते हैं. ठीक है ये बात भी ठीक है. ठीक है एक्चुअली और हेल्थ में स्पेसिफिकली अनफॉर्चुनेटली हेल्थ सेक्टर ने अपना ट्रस्ट उस तरह से कायम नहीं किया पाकिस्तान में जैसे उसको करना चाहिए और उसकी वजह मल्टीपल हैं. एंड वी रियली वी नीड टू गो देयर एंड वी नीड टू इस डर्ट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा हाँ. किसी ने तो कभी करना ही करना ही है बिल्कुल. अच्छा लेकिन पीपल लिसन टू देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिसन टू देयर पेरेंट्स.
people listen to their sisters and brothers, uncles, aunties. आप उनको अवेयर करें, उनके साथ बैठें, उनसे डिस्कस करें. आप और जॉइंट, मैं आपको इस वक्त ना वन टू वन फोकस में बता रहा हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट कोई मिथ नहीं रहेगी. इट्स जस्ट अ स्मॉल प्रोसीजर. टू बी वेरी एग्जैक्ट, इट्स इवन सिंपलर देन अटेंडिंग योर फ्रैक्चर. आई रियली नीड, आप लोग ना सब अकलमंद पढ़े लिखे, अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में सर्टेन टाइम गुजार के बैठे हुए लोग हैं. आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, एक हड्डी के टूटने का पैटर्न है जिसमें हड्डी खुद टूटी अपनी मर्जी से, कि उसको चोट लगी और वो अपनी मर्जी से टूट गई. उसका कट हमने अपनी मर्जी से नहीं दिया, उसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल है. जबकि जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो हम आपके बोन्स पे कट देते हैं वो हम अपनी मर्जी और अपनी डिग्री के साथ देते हैं. हमने वो जो एक्स्ट्रा बोन है, जो डिजनरेट बोन है, अगर हमने आपकी शैम्फर ऑफ करनी है वहाँ से, तो हम एग्जैक्ट, हमें पता होता है कि आपका हमने इतने डिग्री का कट रख के इतने पे काटना है. तो वो फैक्ट, उसको जो बोन को काटना है वो हम अपने मुताबिक काटते हैं. इट्स अ सिंपलर सर्जरी, बस इट्स अ न्यू सर्जरी. आप नहीं कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे, आई एम श्योर जो लोग अभी अपने 40s में हैं, जब ये 60s में आएंगे ये ज़रूर कराएंगे. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तब तक ये मेंटली उसके साथ ना एक्लेमेटाइज करके होंगे कि ये भी एक सर्जरी है. सो अल्टीमेटली आप एक मोडेलिटी के ऊपर लूज आउट कर रहे हैं. डोंट लूज आउट ऑन दैट, थिंक अबाउट दैट. बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है. तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम, और आपकी इस गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और लाइक आई एम वेरी होपफुल कि इस सेशन के ज़रिए आप लोगों को बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो कि आप लोगों को शायद आपकी, मतलब मे बी आपकी वन टू वन डिजीज़ के आंसर्स नहीं है, बल्कि इसमें वो एक जैसे कहते हैं ना हिडन एलिमेंट है कि आपने कैसे चीज़ों को ठीक रखना है और कैसे उनका ख्याल आप रख सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. आपको अगर किसी भी किस्म का हेल्थ का कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके, आप हमारे थ्रू जो है वो डॉक्टर सैयद साकिब रज़ा बुखारी से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं. ये आपको मसूद हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगे. इसके अलावा आपको कोई इशू है या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करें या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें आपको, तो आप सजेशंस में वो हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस सर. थैंक यू सो मच डॉक्टर. आई वुड लाइक टू थैंक अगेन द प्लेटफॉर्म ऑफ मरहम. और मुझे नहीं पता लोग कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, बट दीज यंग पीपल आई सी अराउंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम श्योर आप नहीं देख सकेंगे, दे आर डूइंग अ मार्वलस जॉब. और ये इंशाल्लाह दिस इज समथिंग जो कि हमारी बड़ी ज़रूरत है. 20 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़, इनको ये नॉलेज चाहिए कि कहाँ जाएँ कहाँ ना जाए. एंड देन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बींग माई ऑडियंस, एंड होपफुली इफ वी कैन हेल्प यू आउट इन एनी वे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.